Good morning, kids. This is your VK Preschool City online class. Yashoba sir is back. I'm sure you all are healthy, sound, and happy at your home, and you all are having a quality time at your home. This is the class for UKG subject is Hindi. बच्चों, इससे पहले हम लोग छोटी की मात्रा से बने शब्द सीख चुके हैं, है ना बच्चों? Yes, छोटी की मात्रा से बने अभ्यास कार्य भी कर चुके हैं. अब हम लोग सीखेंगे बड़ी ई ई की मात्रा से बने शब्द. यहां देखिए बच्चों, इसे क्या कहते हैं? बड़ी ई. बड़ी ई से ईक. यह है बड़ी की मात्रा जो हम लोग किसी वर्ण के आगे की ओर से लगाते हैं, हाँ. और छोटी की मात्रा हम लोग वर्णों के पीछे की ओर से लगाते हैं, और बड़ी की मात्रा वर्णों के आगे की ओर से. आइए हम लोग बड़ी की मात्रा से बने शब्द देख लेते हैं. झ. झ में बड़ी की मात्रा. ल. झील. झील. ख. ख में बड़ी की मात्रा. खी. र में आ की मात्रा. र. खीरा. खीरा. ह में आ की मात्रा. हा. ख में बड़ी की मात्रा. थी. हाथी. हाथी. म. छ. ल में बड़ी की मात्रा. ली. मछली. मछली. द. द में बड़ी की मात्रा. दीपक. दीपक. दीपक जलाते ना हम लोग दीपावली में. यस, दीपक जलाने से घर में रोशनी रोशनी हो जाती है. यस. ब. क. र में बड़ी की मात्रा. री. बकरी. बकरी यानी कि गोट. यस. झील. खीरा. हाथी. मछली. दीपक. बकरी. यस. बच्चों, इस तरह से आप ये छह बड़ी की मात्रा से बने शब्द सीख लेंगे. पहले पन्ने पे तीन वर्ड सीखेंगे, तीन शब्दों का अभ्यास करेंगे, बार बार लिखेंगे. दूसरे पन्ने में बचे हुए तीन शब्दों को लिखेंगे. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, इस तरह से सैंपल बना देंगे, ऊपर में हेडिंग देंगे बड़ी की मात्रा से बने शब्द. पहले पेज में थ्री वर्ड्स लिख देंगे, बच्चे उसे देख के लिखेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे. दूसरे पन्ने में बाकी के तीन शब्द लिख देंगे, बच्चे बोल बोल कर लिखेंगे. इस तरह से हम लोग बड़ी की मात्रा से नए शब्द बनना सीखेंगे, इन्हें अच्छे से उच्चारण भी करना सीखेंगे. चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं. झील. खीरा. हाथी. मछली. दीपक. बकरी. गुड बाय किड्स, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर.